एक ही मुलाकात में दीपू ने वनराज को दिखा दी उसकी औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज वनराज शाह को जिस तरह से दीपू ने जवाब दिए, उस जवाब में, उस बात में एक ही बात थी कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। ऐसे किरदार दीपू के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जो कुछ भी अपने मन से किसी भी फीमेल को कह दे, उनकी बेइज्जती कर दे, ऐसे किरदारों को दीपू फुटेज नहीं देते हैं। ऐसा ही कुछ कहा था ना। इन शॉर्ट, दीपू के लिए वनराज रिस्पेक्ट वर्दी नहीं है। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पहली मुलाकात थी दीपू की और वनराज की। दीपू जैसा इंसान जो मिलिट्री में है, आर्मी में रह चुका है, उसको पता है डिसिप्लिन क्या होता है, उसको पता है फीमेल की रिस्पेक्ट क्या होती है, उसको पता है कि परिवार में कैसे बिहेव करना चाहिए। मगर वनराज शाह जो परिवार में पला, परिवार में ही उसने सब कुछ देखा, दुख सुख सब देखा, मगर उसको आज तक परिवार में रहना नहीं आया, उसको दूसरों को इज्जत देना नहीं आया, और खास करके अनुपमा जैसी लेडी को जिसने इतने साल पूरे परिवार की और वनराज शाह की भी सेवा की हो। अनुपमा जिस तरह से वहां पे खड़ी थी, जिस तरह से अनुपमा को वो वनराज शाह टारगेट कर रहा था, वो सब दीपू जान गया। और इतना ही बहुत होता है दोस्तों, क्योंकि अनुपमा को दीपू जान चुका है इतने सारे पीरियड में, जो भी एक डेढ़ महीने का निकला है उसमें जो जो अनुपमा के साथ हुआ है, जो अमेरिका में अकेली अनुपमा के साथ हुआ, उससे वो अनुपमा को तो समझ चुका है और कहीं ना कहीं उस किरदार को पसंद भी कर चुका है। तो अनुपमा के साथ अगर वनराज ऐसे मिसबिहेव करता है वहां पे, तो दीपू का रिएक्ट होना बनता ही है। मगर वहां पे भी उसने कंट्रोल किया और कुछ बातों में ही अपनी बात को लपेट दिया। अनुपमा के खाने की तारीफ करना, वो सब चीजें करना, मगर एक बात जो वनराज शाह गलत कर गया अनुपमा के लिए, सामने ही उसके जो बॉस हैं और जो उसके खाने की कदर करते हैं और जिनकी मां ने यानी कि बीजी ने अनुपमा को अन्नपूर्णा का नाम दिया था, तो जो अनुपमा की रिस्पेक्ट नहीं करता वो अन्नपूर्णा की ही रिस्पेक्ट नहीं करता। तो यही बात दीपू ने कही वनराज शाह को कि खाने, जो खाना बनाने वाले की इज्जत नहीं करता वो खुद भी इज्जत के काबिल होता नहीं है। तो ये वनराज शाह की औकात इससे ज्यादा है भी नहीं। कौन करता है वनराज शाह की इज्जत? मुझे नहीं लगता कोई करता है। जो भी करते हैं घर के लोग, वो डर की वजह से करते हैं, तो डर से कमाई हुई इज्जत तो इज्जत होती ही नहीं है। तो आज वनराज शाह इन बातों से भी नहीं सीखता है। एक अजनबी जो आता है आपको आपकी औकात बताता है फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब यह है कि वनराज जैसे किरदार जो है बीमार है, अपने ही ओरा में वो घूमते रहते हैं, अपने ही कुएं के मेंढक बन के वो छाए रहते हैं, बोलते रहते हैं, अपने ही उसके एरिया के जो भी लोग हैं उनको डांटते रहते हैं, बाहर की दुनिया में जैसे ही जाते हैं वैसे ही उनको उनकी औकात दिख जाती है। तो मुझे आज दीपू का ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।